हेलो गाइस, केसल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। गाइस, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही सिलेक्टिव हैं और एग्जाम में कई बार एज इट इज रिपीट हुए हैं। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो गाइस, जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गाइस, जो अमरकंटक की जो पहाड़ी है गाइस, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गाइस, दोनों ही तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, यह नदी जो है वो तीन राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गाइस, इनको आप नोट कर लीजिए। गाइस, सरदार सरोवर परियोजना से कितने राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और गाइस, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं नर्मदा नदी तीन राज्यों से होकर बहती है और वो ऑप्शन में तीन को टिक कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। क्योंकि गाइस, सरदार सरोवर जो परियोजना है उससे चार राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो गाइस, ये चार राज्य ऐसे हैं जिनको सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसने बनाई थी? तो गाइस, इसकी योजना जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1946 में इस योजना को बनाया था। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास गोरा नामक स्थान पर किसने किया था? गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं, इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि जो सरदार सरोवर योजना है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1961 में इस योजना का गाइस शिलान्यास किया था। नेक्स्ट, खोसला समिति किस परियोजना से संबंधित है? तो गाइस, यह समिति जो है वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि यह सामान्य किताबों में नहीं मिलता है। तो गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गाइस, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण जो है वो वर्ष 1969 में किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना में कुल विद्युत संस्थापित क्षमता कितनी है? तो गाइस, इसकी जो क्षमता है वो 1450 मेगावाट विद्युत क्षमता है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? गाइस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो नर्मदा नदी जो है गाइस, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्व बैंक सरदार सरोवर परियोजना से क्यों अलग हो गया? तो गाइस, पर्यावरण तथा पुनर्वास संबंधी विवाद के कारण विश्व बैंक जो है ये सरदार सरोवर परियोजना से अलग हो गया। तो गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से बताइए कौन सा बैंक सरदार सरोवर परियोजना से अलग हो गया। तो गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर 2000 को सर्वोच्च न्यायालय ने बांध की ऊंचाई को कितना मीटर निर्धारित किया था? तो गाइस, इसका आंसर है 138.60 मीटर बांध की ऊंचाई को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था। पुनर्वास विस्थापन का दर्द उक्त परियोजना में किस राज्य को सर्वाधिक झेलना पड़ा? तो गाइस, वो है मध्य प्रदेश, राज्य को उक्त परियोजना में सर्वाधिक दर्द झेलना पड़ा। सरदार सरोवर बांध परियोजना में सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त होता है या किस प्रदेश को प्राप्त होता है? गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है। तो गाइस, उसका ये कारण ये है कि क्योंकि जो गुजरात राज्य है ना, इसको जो है सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, कुछ स्टूडेंट जो है वो मध्य प्रदेश को कर देते हैं। गौरैया पक्षी की संख्या में आकस्मिक कमी के कारण कौन सा यौगिक एक प्रमुख कारण है? गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि गाइस, सीसा रहित पेट्रोल के जलने से निकलने वाला मिथाइल नाइट्रेट नाम का एक यौगिक है जो कि कीड़ों मकोड़ों को जहरीला बना देता है।
कुल मिलाकर गाइस बात यह है कि सीसा रहित पेट्रोल के जलने से निकलने वाला मिथाइल नाइट्रेट नाम का एक यौगिक है जो कीड़ों मकोड़ों को जहरीला बना देता है। और गाइस जो गौरैया पक्षी है वो इन कीड़ों को खाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो गौरैया पक्षी है गाइस वो बीमार पड़ने लगता है, जिस कारण इस पक्षी की मौत होती है। और इसी कारण गाइस जो है इनकी संख्या में काफी ज्यादा कमी आ रही है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, तो ये इसका कारण है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था गाइस? अब ये क्वेश्चन 15 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चन है ये सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो गाइस राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को गाइस किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो गाइस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो वर्ष 1986 में पारित हुआ था। गाइस आपको कमेंट में बताना है कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है इसका दूसरा नाम क्या है, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो गाइस इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम विश्व की सबसे बड़ी परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आंसर है 1972 में। गैप जीएपी योजना को कब शुरू किया गया था? तो गाइस जो राजीव गांधी के शासनकाल में गंगा कार्य योजना को वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। गाइस वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लाता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो गाइस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम वर्ष 2010 में पारित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास से जोड़ा गया? गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएसपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो है चतुर्थी या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को गाइस जो है वो विकास से जोड़ा गया था। पर्यावरण के कितने संगठक होते हैं? गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। पर्यावरण के जो है वो तीन संगठक है, वो कौन से है? भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। गाइस ये पर्यावरण के जो है ये तीन संगठक है, इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, मतलब कौन सा मानव है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? तो गाइस वो है प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। गाइस ये क्वेश्चन जो है जो ऊंचे लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो गाइस वो है झूम कृषि, यह जो है खेती की सबसे पुरातन प्रणाली है, इसको आप नोट कर लीजिए। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो गाइस मानव भूगोल के जन्मदाता की जो संज्ञा है वो फ्रेडरिक रेटजल को प्रदान की गई है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी? तो गाइस ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, औद्योगिक जो क्रांति है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो गाइस इसका आंसर है जो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव है ये औद्योगिक क्रांति व आर्थिक निश्चयवाद से ये प्रारंभ हुआ है। गाइस भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित है? गाइस ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो वो है ब्रुकलिन शहर, और गाइस ये है यूएसए में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा विध्वंसक यौगिक कौन सा है? तो गाइस ये तो सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा विध्वंसक पूछा गया है, तो वो है गाइस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गाइस जो है ओजोन परत को सीएफसी क्लोरोफ्लोरम के बाद जो है दूसरे स्थान पर रही है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फारमैन, जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, इन्होंने वर्ष 1985 में सर्वप्रथम ओजोन स्तर क्षरण का पता गाइस लगाया था।
अब क्षय कैसी प्रक्रिया है? गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको स्टूडेंट 99% गलत ही करते हैं। तो अपचय जो है गाइज वो एक भौमिकीय प्रक्रिया है। गाइज यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान व आर्द्रता कितनी होती है? तो गाइज इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो जब मैं पर्यावरण का दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। तो गाइज आपको बताना है आपको यह वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप गाइज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और गाइज हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे कि यूपी जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये कई सारी प्लेलिस्ट आपको बने मिलेंगी जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। और गाइज हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें काफी रिसर्च करके क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो गाइज उनको वॉच कीजिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। फिर गाइज मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।